एक्सेल के पिछले लेसन में हमने सीखा था यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन के बारे में, जो कि मिलता है आपको यहाँ पे डाटा टैब में। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे यहाँ पे एडवांस फिल्टर के बारे में, जिसकी मदद से आप अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं कुछ एडवांस तरीकों से। और दोस्तों आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि आप एडवांस फिल्टर को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप अपने डाटा को एडवांस तरीके से फिल्टर भी कर सकें और उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज भी कर सकें। तो दोस्तों पूरी वीडियो ज़रूर देखना है, क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूं क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। और दोस्तों अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं, तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जस्ट हमारी वेबसाइट पर जाइए, जो कि क्रिएटिव लर्निंग बाय रितेश डॉट इन, लिंक दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में। सारे कोर्सेज बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल हैं। तो आइए दोस्तों लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। तो आज की इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम सीखेंगे एडवांस फिल्टर के बारे में। देखिए सिंपल फिल्टर हमने सीख लिया था, जो कि आपको यहाँ पे देखिए डाटा टैब में यहाँ पे आपको मिल जाता है फिल्टर का ऑप्शन, जिसकी मदद से आप डाटा को यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ आपको यहाँ पे एक एडवांस का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपने डाटा को कुछ एडवांस तरीके से फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाला डाटा है, यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स लिखी है, और इसके साथ ही हमने यहाँ पे दो कॉलम बना लिया है, जहाँ पे लिखा है जॉब टाइटल और यहाँ पे लिखा है सीनियर मैनेजर। अब हम चाहते हैं दोस्तों कि जो भी हम डाटा यहाँ पे लिखे, वो वाला डाटा जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है सीनियर मैनेजर, यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाए वो भी अलग से। तो वो आप चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे एडवांस फिल्टर के थ्रू। तो आइए देख लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले आपने अपने डाटा में यहाँ पे क्लिक करना है, जिसमें भी आप फिल्टर लगाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है डाटा टैब में, और यहाँ पे क्लिक करना है एडवांस टैब में। जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देखिए डांसिंग लाइन मिल जाएंगी, मतलब आपका डाटा पूरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। और यही होता है आपका लिस्ट रेंज, मतलब इस रेंज में आपका डाटा यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जिस डाटा में से आपने फिल्टर करना है। उसके बाद आता है आपका आता है यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज हमारी जॉब टाइटल है और सीनियर मैनेजर है। तो जस्ट मैं यहाँ पे देखिए एरो की पे क्लिक करता हूँ और अपना ये वाले दोनों सेल्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे कॉपी टू का ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल हुआ हुआ है, मतलब हम चाहते हैं ये वाला डाटा जो हम यहाँ पे फिल्टर करें वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पे कॉपी हो जाए। तो उसके लिए जस्ट आपको एनेबल करने के लिए आपको एक सिंपल सी सेटिंग करनी है। यहाँ पे एक्शन में आपको सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन, जस्ट आप इस पर टिक कर लीजिए और उसके बाद कॉपी टू के बॉक्स पर क्लिक करिए और जहाँ पे भी अपने डाटा को पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करिए और ओके प्रेस करिए। तो आप देखेंगे आपका डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेस्ट हो गया है, मतलब हमने सीनियर मैनेजर का डाटा ढूंढना था तो तीन डाटा है यहाँ पे, वैसे यहाँ पे भी तीन डाटा है, ये वाला और ये वाला, तो तीनों डाटा आपका यहाँ पे पेस्ट हो गया है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करूँ तो आप देखेंगे पूरा डाटा आपको दिख जाएगा। आइए बढ़ लेते हैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन की तरफ, जो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे मल्टी कॉलम फिल्टर का ऑप्शन। अब जैसे कि अभी मैंने पिछले बताया था आपको यहाँ पे सिंगल अगर आपने यहाँ पे डाटा को फिल्टर करना है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम के थ्रू आप फिल्टर करना चाहते हैं अपने डाटा को, तो वो भी आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए जॉब टाइटल है और दूसरा आपका डिपार्टमेंट जो कि हमारा आईटी। अब हम ढूंढना चाहते हैं कि यहाँ से सीनियर मैनेजर का डाटा ढूंढे जो आईटी डिपार्टमेंट में है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे देखिए दो कंडीशंस लिख ली हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने जो भी आपकी हेडर रो है आपने सेम स्पेलिंग लिखनी है जो आपकी एज इट इज़ यहाँ पे है, तभी आपका डाटा फिल्टर यहाँ पे काम करेगा। वैसे दोस्तों आपने यहाँ पे नीचे जो आप क्राइटेरिया लिखेंगे वहाँ पे भी आपने स्पेलिंग का ध्यान रखना है। और उसके बाद अब आपने यहाँ पे फिल्टर करना है मल्टीपल कॉलम के बेस पे, तो जस्ट मैं क्या करता हूँ अपने डाटा पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे डाटा टैब में और जाता हूँ एडवांस में, तो आप देखेंगे आपका डाटा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे कॉपी टू पे क्लिक करता हूँ, क्राइटेरिया रेंज हमारी ये वाली है, तो जस्ट मैं अगेन यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे क्राइटेरिया रेंज आपकी सिलेक्टेड है। उसके बाद हमने करना है कॉपी टू, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जहाँ पे भी मैंने कॉपी करना है जैसे कि मैं यहाँ पे कॉपी करना चाहता हूँ तो जस्ट मैं प्रेस करता हूँ ओके, तो आप देखेंगे आपका डाटा यहाँ पे आ गया है सीनियर मैनेजर का जो कि आईटी डिपार्टमेंट में है। तो इस ढंग से आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे मल्टी कॉलम फिल्टर का। आइए बढ़ लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एडवांस फिल्टर का, जो आप यूज़ कर सकते हैं वो होता है कि आप यहाँ पे कंडीशन के बेस पे भी फिल्टर कर सकते हैं अपना डाटा। अब जैसे कि हम यहाँ पे फिल्टर करना चाहते हैं अपना डाटा एज के अकॉर्डिंगली, जिनकी एज हम पे ग्रेटर देन 50 है, मतलब हमने यहाँ पे लॉजिकल सिंबल लगाया है ग्रेटर देन का और हमने लिखा है यहाँ पे 50। अब हम चाहते हैं जितना भी यहाँ पे डाटा है जिनकी एज 50 है वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, तो उसके लिए भी आपने यहाँ पे सेम स्टेप फॉलो करने जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं। तो आइए फटाफट कर लेते हैं। तो उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पे क्या किया, क्लिक किया,
डाटा टैब में गया, एडवांस पे क्लिक किया, जो हमारी लिस्ट रेंज है वो सिलेक्ट है, क्राइटेरिया रेंज हमारी यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉपी टू पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जहाँ पे भी कॉपी करना है वहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद प्रेस कर लेता हूँ यहाँ पे ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे जितनी भी एज आपकी 50 से ज़्यादा थी वो सारी आपकी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। आइए दोस्तों बढ़ लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एडवांस फिल्टर की तरफ, जो कि है फिल्टर बाय डेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार हमें यूज़ भी करना पड़ता है। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डेट लिखी है हमने 13 जून 2018, जो भी डेट यहाँ पे इससे ज़्यादा होगी वो वाला डाटा आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो, ये हम चाहते हैं। लेकिन इसको करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे डेट लिखी है जो कि हायर डेट है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले ध्यान रखना है, जब भी आप यहाँ पे कंडीशन लगाए अपनी डेट की, आपका डेट का फॉर्मेट आपकी डेट की फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे पूरा डाटा सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल वन प्रेस करता हूँ तो आपके सामने फॉर्मेट सेल का यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे डेट का फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो भी आप फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 14 मार्च 2012 का जैसे ये वाला फॉर्मेट है ये वाला सिलेक्ट कर लिया और ओके प्रेस किया। अब जो ये वाले नंबर्स है ये डेट के फॉर्मेट में आ गए हैं और ये वाला सेम जैसे हम यहाँ पे लिखा है वही हमने यहाँ पे लिखा, तो दोनों देखिए दोनों मैच होने चाहिए तभी आपका डेट का फॉर्मेट यहाँ पे काम करेगा। तो आइए देख लेते हैं। तो हम चाहते हैं जो 13 जून 2018 के बाद का जो डाटा है वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले हो, तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने डाटा पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडवांस में गया तो आपका डाटा सिलेक्ट हो गया, क्राइटेरिया ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो कॉपी टू पे क्लिक किया और जहाँ पे भी कॉपी करना चाहता हूँ वहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया और ओके प्रेस किया। तो आप देखेंगे जितना भी डाटा 13 जून के बाद का था वो सारा आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो गया बहुत ही ईजिली। आइए बढ़ लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एडवांस फिल्टर की तरफ, जो कि होता है आपका कि अगर आपने फिल्टर का डाटा एक शीट से दूसरी शीट पे कॉपी करना है तो वो आप कैसे करेंगे। तो अगर आप देखिए ट्रेडिशनल वे से कॉपी करेंगे तो एरर शो करेगा, जैसे कि अभी मैं कर रहा था। तो सबसे पहले देखिए अगर हमारे पास ये वाला डाटा है, ठीक है, अब ये वाला डाटा हम कॉपी करना चाहते हैं दूसरी शीट पर, तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेडिशनल वे से जाऊँ और कॉपी करूँ दूसरी शीट पर तो आइए देखते हैं क्या एरर ये शो करेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद डाटा में गया और यहाँ पे एडवांस पे यहाँ पे क्लिक किया, आपका डाटा यहाँ पे सिलेक्टेड है, क्राइटेरिया रेंज भी आपकी सिलेक्टेड है ये वाली। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी टू अनदर लोकेशन, जैसे कि मैं पहले कर रहा था। और इस बार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये वाली जो लोकेशन है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे जो एरो की है, ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं कॉपी करना चाहता हूँ इस शीट पर, मतलब एडवांस फिल्टर पेस्ट शीट पर, तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जहाँ पर भी मैं पेस्ट करना चाहता हूँ वहाँ पर क्लिक कर लिया और अगेन मैं इस एरो की पे क्लिक करता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे इसने एरर शो किया है कि यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डाटा टू एन एक्टिव शीट, मतलब जिस शीट पे आप काम कर रहे हैं उसी शीट पे आप अपने डाटा को पेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ जिसकी मदद से आप अपनी दूसरी शीट पर डाटा कॉपी कर सकते हैं। अब जैसे कि अभी देखिए मैं काम कर रहा हूँ, ये हमारी एक्टिव शीट है और ये वाली शीट हमारी सेकेंडरी शीट है क्योंकि हमने इसमें डाटा पेस्ट करना है। लेकिन इस बार मैं क्या करूँगा, इस शीट पर ही काम करूँगा ताकि हमारी शीट एक्टिव हो जाए और इस शीट से मैं दूसरी शीट से डाटा अपना फेच करूंगा। मतलब प्रोसीजर आपका सेम होगा लेकिन जो स्टेप्स है वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो इसके लिए जस्ट मैं क्या करता हूँ, इस शीट को मैं क्लिक करता हूँ ताकि हमारी एक्टिव शीट रहे और जहाँ पे भी मैं डाटा पेस्ट करना चाहता हूँ वहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एडवांस टैब में जाता हूँ, एडवांस टैब में जाने के बाद मैं कॉपी टू पे क्लिक कर लेता हूँ तो आपका ये वाला बॉक्स एक्टिवेट हो गया है। अब सबसे पहले आपका आता है लिस्ट रेंज, तो जस्ट मैं इस एरो की पे क्लिक करता हूँ, ये मांग रहा है आपसे लिस्ट रेंज, तो लिस्ट रेंज तो हमारा देखिए ये वाला है, ठीक है, दो मैं डेट वाले अपने शीट में चल जाता हूँ और अपनी लिस्ट रेंज है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं अगेन एरो की पे क्लिक करता हूँ, अगेन आता है आपका यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज अगेन मैं यहाँ पे क्लिक किया, एरो की पे क्लिक किया और एडवांस फिल्टर बाय डेट पे गया और जो क्राइटेरिया रेंज है हमारी दोनों, तो ये दोनों हमने सेलेक्ट कर ली। और उसके बाद आता है आपका यहाँ पे कॉपी टू, तो कॉपी टू हम यहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं तो जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया जो कि हमारी एक्टिव शीट है और उसके बाद मैंने ओके प्रेस किया, तो आप देखेंगे आपका यहाँ पे डाटा पेस्ट हो गया है उस शीट से हमारी दूसरी शीट पे। तो दोस्तों आज हमने सीखा यहाँ पे एडवांस फिल्टर के बारे में और काफ़ी सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया। कौन सा ऑप्शन आपको पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आप एक्सेल सीखना चाहते हैं ऐसी और डिटेल में, तो आप हमारा एक्सेल का ऑनलाइन कोर्स यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं जो कि लॉन्च होकर बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में हमारी वेबसाइट पे, जो कि क्रिएटिव लर्निंग बाय रितेश .in, लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे आपको ये वाला कोर्स मिल जाएगा बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में, तो जस्ट आपने इसको इनरोल कर लेना है। जैसे इनरोल कर लेंगे आपको यहाँ पे सारी प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिल जाएंगी जिनको आप स्टेप बाय स्टेप
देख के अपनी नॉलेज को वन स्टेप फर्दर एनहांस कर सकते हैं और साथ ही में जॉब रेडी भी हो सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों, जब आप ये वाला कोर्स कंप्लीट करेंगे, आपको यहाँ पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आपको एक अच्छी जॉब पाने के लिए बहुत ही मदद करेगा। तो दोस्तों, अभी कर लीजिए इस कोर्स में एनरोलमेंट, क्योंकि क्या पता कौन सी चीज़ कब काम आ जाए। तो मिलते हैं दोस्तों इस कोर्स में। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर।